एलविश यादव ने अभिनव अरोरा को एक्सपोज कर दिया। अभिनव अरोरा के बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग अभिनव को ढोंगी बाबा बोल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अभिनव अरोरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है। वो एक्चुअल में भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो सिर्फ ढोंगी बना करता है, ऐसा करके ऑडियंस का कहना है। पर एलविश यादव ने अभिनव अरोरा के ऊपर बात की है, इस क्लिप में देखो। मतलब जितना मैंने नोटिस करा, मेरी राय ये है कि हर चीज की एक उम्र होती है, यू नो क्या कह रहा हूँ मैं। मतलब इट्स वेरी गुड ही सपोर्टिंग हिज रिलीजन, बट दिस इज नॉट द राइट एज ये सब करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कर रहा। नो डाउट ही सपोर्टिंग अ रिलीजन, ही इज शोइंग अ रिलीजन इन अ गुड वे, और गौ माता की सेवा करनी हो गई या फिर जो भी रील्स मैंने देखी, ठीक है, इट्स गुड, बट उसको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वो ये सब कर सकता है, मतलब अपने घर में जोत बाल सकता है, घर में पूजा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सब रिलीजियस होते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है हमारे आगे कि ही गॉट सम पावर्स, ही गॉट सम कनेक्शन विद द गॉड, ही इज वेरी रिलीजियस, जो कि मुझे लगता नहीं कि असलियत में वो उतना होगा। और अगर हो भी तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको इस टाइम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने करियर सेट करने पे, और रिलीजियस भी हो सकता है साइड बाय साइड, बट नॉट इतना कि पूरी जिंदगी अपनी उसी में डाल दी, क्योंकि इतना छोटे बच्चे की लाइफ आप उससे छीन रहे हो। उसका बचपन है, उसका स्कूल लाइफ है, उसकी आगे चढ़ के कॉलेज लाइफ है, तो वो चीजें उससे छीनी जा रही है। देखो मेरा ओपिनियन है, उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब करे। उसको मेरे हिसाब से उसके फादर बता रहे हैं, मदर बता रही है, तो मेरा ओपिनियन ये है, और उसकी सलाह भी है उसके माँ बाप को कि भाई अभी यार वो बच्चा है, उसकी एज है, हमने भी अपना बचपन इंजॉय करा, स्कूल गए हैं, हमारा करा ना, तो वो उसका वो चीज मत मारो यार इस चीज में। और ना जो ट्रोलिंग हो रही है, जो गाली खा रहा है, वो उसके लिए सही नहीं है, उस एज ग्रुप के लिए सही नहीं है। अब जैसे मान लो मैं गाली खा रहा हूँ, आशीष गाली खा रहा, भाई ने अब गाली खानी शुरू कर, स्टार्ट ही कर रहा, दिवाली के गिफ्ट ही मिल रहे पूरे पटाखे, भाई गाली खा रहे हैं, बताओ। तो हम लोग झेल सकते हैं, मतलब मान लो कभी उसमें दिमाग आए, वो पढ़े, वो खुद भी पढ़ता होगा मेरे हिसाब से, पता नहीं कैसा फील होता होगा उसको कि कोई उसको माँ बहन की गाली बकरा होगा, बाप ये माँ ये ऐसे ऐसे गाली बकरे, तो इट्स नॉट राइट।